ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா. குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர் தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே. किसी भी ग्रंथ के बारे में स्वाभाविक है कि हमारे मन में जिज्ञासा हो जाती है कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, किसके लिए लिखा है. जैसे श्रीमद् भगवद गीता कहाँ है, पता नहीं वही कहीं रखी होगी. नहीं यार, कहाँ से आई है? तो कहेंगे श्रीमद् महाभारत में यह है. हंस गीता कहाँ है बताते, हंस गीता भागवत महापुराण. क्या चाहिए? फैन चाहिए? इफ यू वॉन्ट फैन यू कैन स्टार्ट. एवरीबडी कैन स्टार्ट द फैन, इट्स नॉट कोल्ड, इट्स हॉट. तो शुरू करो फैन. कहाँ गया फैन वाला? आप ठीक है? थोड़ा हवा चलेगी ना तो दिमाग भी चलेगा. इसी प्रकार से यह नारद भक्ति सूत्र कहाँ से आया, किसने लिखा, किसने किसको बताया, इसके बारे में कहीं भी जानकारी हमको उपलब्ध नहीं है और हम जानना भी नहीं चाहते. आम खाने से मतलब है, गुठली की दाम से क्या मतलब है? अल्ले सिवारे गुजराती, गुजरातीज हैव ग्रेट अट्रैक्शन फॉर गुठली. पूरा आम का रस निकालने के पश्चात वो जो गुठली को धोते हैं साबुन से, और उसके पश्चात उसको तड़का देकर के उसकी जो डिश बनती है उसको नाम है फजीता. तो खाने वाले की फजीती हो जाती है. नारद भक्ति सूत्र किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, हमको पता नहीं, लेकिन है अच्छा. दो प्रकार के लोग अध्ययन करते शास्त्रों का. एक पेट पालने के लिए लिखेंगे, फिर उसके ऊपर में पीएचडी करेंगे. और फिर पेपर पब्लिश करेंगे कि हमने बड़े तीर मारे हैं, नई खोज निकाली है कि भगवद गीता में ऐसे अनेक श्लोक है कि जिसका कोई अर्थ नहीं. और फिर उनको पीएचडी मिलेगी, फिर एक हाथ इंक्रीमेंट मिल जाएगा और जिंदगी भर फ्रस्ट्रेट रहेंगे. दूसरे वो होते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना माने दर्पण में देखने के जैसे होता है. वस्तु के तरफ हम देखते हैं लेकिन दर्पण के तरफ नहीं देखते, दर्पण में देखते हैं. और दर्पण में भी हम प्रतिबिंब को नहीं देखते, प्रतिबिंब में स्वयं को देखते हैं. इसीलिए सुबह सुबह उठ करके टूथपेस्ट लिया और उसके पश्चात ई किया और वहां थोड़ी लगाते दर्पण पर, अपने मुंह में लगाते. इसी प्रकार से जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो यदि हमारी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं हुई तो हम केवल एरुडिशन और स्कॉलरशिप पांडित्य में ही भटकते रहेंगे. तो कई बार यहां साधक फंस जाते हैं. एक उदाहरण बताऊं आपको. ये अमेरिका में हुआ था, किसी के यहां गए थे हम लंच के लिए और वहां 10-20 लोगों को बुलाया था. तो बोले स्वामी जी आप हमको कुछ गीता पर बताइए. हमने कहा यार यूट्यूब चले जाओ, अभी मुझे खाना दो, मतलब काम से है, खाने के लिए आए हैं. फिर बताया कि स्वामी जी ये अमुक अमुक है, ये इंडिया से आते हैं और हमको गीता पढ़ाते. हमने फिर हम भी सुनेंगे, आप सुनाओ भैया. तो दूसरी ने कहा नहीं हम तो इनका रोज सुनते हैं, माने बोर हो गए सुन सुन के. आप एक आध बार आते हो साल में, आप सुनाओ. तो
फिर उन्होंने कहा, जो गीता के पंडित थे, उन्होंने कहा स्वामी जी भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर सुनाओ फरमाइश। खोया खोया चांद सुना। भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर सुनाओ। अब क्या करे, अब मुझे बताओ इस दुनिया में दुख कहाँ है, आनंद ही आनंद है। तो मैंने सुनाया, सुनाने के पश्चात प्रश्नोत्तरी, हमने कहा देखो मैं प्रश्न पूछूंगा आप उत्तर दो। बोले नहीं 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 हम प्रश्न पूछेंगे, हमने कहा हमको इंटरेस्ट नहीं है कोई। फिर उस बुढ़ाओ ने कहा स्वामी जी ये बताइए भगवद गीता में संजय, धृतराष्ट्र, अर्जुन और भगवान कृष्ण इन्होंने कितने कितने श्लोक कहे हैं। हो गया ना, डाटा कलेक्ट करो। तो मैंने कहा लिख लो, धृतराष्ट्र का एक श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण ने एक भी श्लोक नहीं कहा। तो वो चौंक गए, एक भी नहीं कहा, नहीं ये कैसे हो सकता है, मेरे हो गया है, हो सकते की बात नहीं है। तो वो एकदम ऐसे सफेद पीले हो गए। हमने कहा आपकी कौन सी भगवद गीता दिखाओ मुझे। तो उन्होंने निकाली भगवद गीता, दिखाओ कहाँ लिखा है भगवान कृष्ण उवाच, दिखाओ भगवान उवाच कहाँ है। गीता बोलने वाला देवकी पुत्र नहीं था, गीता बोलने वाला यशोदा नंदन नहीं था, गीता बोलने वाला गोपी जनवल्लभ नहीं था, गीताचार्य था। और भगवान शब्द केवल भगवान कृष्ण ही है क्या, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान ने लोग अपने गुरु को भी गुरु भगवान कहते। देखो संतो, तो शास्त्रों के अध्ययन में यदि पांडित्य घुस गया तो हम शास्त्रों के द्वारा कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ एक आध इंक्रीमेंट मिल जाएगा, शास्त्रों का अध्ययन अपने को देखने के लिए। और यदि हम अंतर्मुखी होकर के शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो अपने में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। देखो क्योंकि जितनी समस्या है ये केवल दृष्टि की समस्या है। बुरा जो देख न मैं चला, बुरा न मिली आंखों, कबीर जी कहते हैं बुराई दुनिया में नहीं अपने आंखों में है। एक जगह एक गालिब का शेर हमने पढ़ा, आईने में देख करके आईना साफ करता गया, साफ करता गया, बाद में पता चला धूल चेहरे पर थी, आईना साफ ही था। देखो संतो, जब तक के हम में परिवर्तन लाना है ये बात दिमाग में नहीं घुसती, तब तक के आप कर्म करो, झाड़ू लगाओ, उपासना करो, मंदिरों में जाओ, फूल चढ़ाओ, तीर्थ ले लो, सब करो, कोई बात नहीं, लेकिन बकवास, कोई उससे फायदा नहीं है। अपने में परिवर्तन नहीं आया तो, यदि ये सब करते करते स्वयं में परिवर्तन आ गया तो ठीक है। जैसे आपने फाइव स्टार होटल में जाकर के मेनू को कंठस्थ किया तो पेट थोड़ी भरेगा, मेनू में जो लिखा है उसको मंगाओ। लेकिन जब अपने इंडियन लोग दूसरे देश में जाते हैं ना, तो किसी होटल में गए तो मंगाना है, मंगाओ भाई क्या, नहीं मैं बताता हूँ आपको, मालूम नहीं स्वामी जी, मैं देख के बताता हूँ, बता वो डिश क्या है वो नहीं देखेंगे, कीमत कितनी है वो देखेंगे, कंजूस देखेंगे। और हाँ देखो ये 28 नंबर की चीज ले आना, और क्या आया, पानी सबसे सस्ता। आपकी दृष्टि क्या है, आपकी दृष्टि अंतर्मुखी है तो आपको भिन्न दर्शन होगा, और आपकी दृष्टि बहिर्मुखी है तो हम दूसरों पर कूदेंगे, दूसरों को सुधारने का प्रयत्न करेंगे, दूसरों पर कमेंट करेंगे, दूसरों का इवैल्यूएशन करेंगे, सबको लेबल करेंगे, देखो ये अच्छा है ये बुरा है। इन सब से अपने को बचाने के लिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य
अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना। जैसे ईशावास्य उपनिषद कहती है, उपनिषद ये स्त्रीलिंगी शब्द है, इसीलिए उपनिषद कहती है, कहता है नहीं, जैसे गीता कहती है। समाधि ये पुल्लिंगी शब्द है, लेकिन हम कहते समाधि लग गई, तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मागृदक्कस्य सिद्धनम्। पुस्तक में मत देखो, इसमें नहीं है ये, कहाँ गया कहाँ गया, मस्तक में देखो, देखो। तो वहां जो बताते हैं ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, ये क्या है, ये दृष्टि प्रदान करी है श्रुति माता ने। इदम सर्वम, जो भी हमको अनात्म भाव से ग्रहण हो रहा है, इदम सर्वम यत्किंच, कुछ भी क्यों ना हो, यत्किंच जगत्याम, ये दुनिया में ईशावास्यम, देखो सुवर्ण के, सुवर्ण का घर कौन सा है, तो कहेंगे आभूषण सुवर्ण का घर है, क्योंकि हर एक आभूषण में सुवर्ण रहता है ना। इसी प्रकार से भगवान का घर क्या है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, सब में भगवान है, ये कहने का तात्पर्य। माने हमको परमात्मा को सब में भरना नहीं है, वो है ही। देखो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्, यदि ये दृष्टि हमारी खुल गई तो क्या होगा, तेन त्यक्तेन भुञ्जीता, जगत के प्रति जो भोग भावना है वो त्यक्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भुञ्जीता माने आत्मानं पालयेथा, अपने आप की रक्षा करो। सबसे पहले हमको अपने आप से बचना है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, हम ही हमारे दुश्मन है, हम ही हमारे दोस्त है। देखो तो ये दृष्टि जब प्राप्त हो जाती है तो तीन बातें होती है। पहली बात, भोग का त्याग हो करके हमारा ध्यान स्वरूप की तरफ रहता है। फिर मां गृधा कस्य सिद्धनम, गृध माने गिद्ध, गिद्ध माने वल्चर। वल्चर क्या होते हैं, आकाश पे ऊपर उड़ेंगे लेकिन दृष्टि होगी जमीन पर पड़े हुए मरे सड़े जानवरों पर। अध्यात्म में आए, परमात्मा की प्राप्ति और पैसा इकट्ठा करने लग गए। देखो मां गृधा कस्य से धनम, पैसा कस्य, कम माने परमात्मा, कस्य परमात्मनः, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान की है, हमारी थोड़ी है। लग जाते हैं इसी को इकट्ठा करने में, पैसा 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 पैसा, और फिर जस्टिफाई करेंगे, हम अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। मनुष्य सबसे ज्यादा धोखा स्वयं को देता है, अन्य को नहीं देता। वी चीट अवर सेल्फ द मोस्ट, नॉट अदर्स। देखो कैसे सिद्धनम, फिर क्या कैसे रहे, भोग भी नहीं करना, पैसे के पीछे नहीं दौड़ना, तुमने सो जाए, बोले नहीं सोना मत, सत्संग थोड़ी है। देखो फिर कुरुवन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेषतगम समा, जीवन में निकम में कभी मत रहो। भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में यही बात कहते हैं,
माते संघा अस्तु अकर्मणि, जीवन के आखिरी क्षण तक यू हैव टू प्रोड्यूस वेल्थ। महाराज, जो व्यक्ति रिटायर हो जाता है वो अपने लिए समाज के लिए बोझा बन जाता है। कारण क्या है? देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन लाइफ। वी हैव टू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। देखो, सुबह उठे, हाँ क्या करना है, सो गए, बट देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ऐसा कहते हैं, आपको यदि अपना कुछ काम किसी नए शहर में जाकर के करवाना हो तो उस शहर में जो सबसे बिजी व्यक्ति है उसके पास पहुंच जाए, वह आपका काम कर देगा। जिसके पास बहुत समय है उसके पास पहुंच जाओ, काम नहीं करेगा। कारण क्या है? उसके पास समय इसलिए है कि वो बेकाम है, किसी काम के लायक ही नहीं है। जो आदमी बिजी रहता है बिकॉज ही इज केपेबल, जो 100 काम कर सकता है 101वां भी करेगा। जो एक भी काम नहीं करता, एकदम निकम्मा बैठा है, उसके पास चले जाओ तो कहेगा ये करना किस लिए, कोई और नहीं मिल रहा क्या? अरे तुमको जो बताया है। देखो, इसीलिए कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतकम समा। और कैसा कर्म करे? मरे मरे नहीं, हर एक कार्य में, हर एक क्षण में 100% उपलब्धि हो। कोई भी काम करो पूरे दिल से करो ना, वर्क होल हार्टेडली। वी वर्क विद होल इन द हार्ट। ठीक है, अरे मरे मरे। तो ये अपने दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सबका तात्पर्य ये निकला। तो यदि हम नारद भक्ति सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, देखो हम क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रवचन नहीं झाड़ रहे हैं। अध्ययन में क्या होता है? एक अध्यापक और एक विद्यार्थी, ऐसे जुड़े होते हैं। महाराज कर्मण्य वाधिकारस्ते, आप अपना काम करो, आपको बाकी फल की कोई इच्छा नहीं रखनी। दोनों का पार्टिसिपेशन चाहिए। इसीलिए जो उपनिषद के प्रारंभ में एक मंत्र आता है, सभी को पता है, वो मंत्र अध्ययन के लिए होता है, लेकिन लोग खाने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तानी है ना, जुगाड़ कर लो, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसमें खाने का कहाँ है? तो, लेकिन जब के तुम बैठो, चुप बैठो, हलो हलो चुप, बंद करो और अपनी जगह जाकर बैठो। क्यों तुम्हारा मन इतना डिस्टर्ब हो रहा है? एक के कारण सबका मन डिस्टर्ब होता है। उस फैन के नीचे बैठो। तो सहना भवतु, हम साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करेंगे। अब दोनों तो हम है, विद्यार्थी और शिक्षक, और विद्यार्थी और गुरु। अब कौन किसकी रक्षा करे? गुरु की रक्षा शिष्यों से और शिष्यों की रक्षा गुरु से, दोनों एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम है। गुरु सिखाना चाहता है, शिष्य कहता है सिखा के दिखा। कितने महात्मा आ गए, सबके सामने चैलेंज है, अब ट्राई करो आप। देखो, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतकम समा। तो सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, भुनक्तु माने भोजन नहीं करना है। लेट अस स्टडी चेयरफुली हैप्पीली। देखो, जैसे आप मुझे सुन रहे, ये उदाहरण है, पता नहीं सुन रहे कि नहीं, मैं बोल रहा हूं ये सत्य है।
अब ये अभी तक आपका ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मैं बोलते समय किसी फैन की आवाज आ रही है, यदि वो फैन की आवाज आपको डिस्टर्ब करती है तो इसका मतलब आप फैन सुन रहे हैं, मेरी आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है। वेयर आर यू फोकसिंग, अटेंशन कहाँ है? कितना जोर से चल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूं क्या? जिंदा आदमी बोल रहा है, उधर ध्यान नहीं, और मुर्दा फैन आवाज कर रहा है, उधर ध्यान है। कितनी सहज बात है। ऐसे एक भी स्थान आपको विश्व में नहीं मिलेगा जहां डिस्टर्बेंस नहीं है। सबसे बड़ा डिस्टर्ब करने वाला स्थान अपना ही मन। मन भटकेगा इधर से उधर, उधर से इधर में, फिर उसको कोई ना कोई एक आधार चाहिए। फिर मन कहेगा अच्छा ऐसा करें, अरे सुनो ना, सुनने के लिए आए हैं, सुनेंगे थोड़ी। तो सह न भुनक्तो सह वीर्यम करवा वह, प्रयत्न करेंगे सह दोनों, आचार्य भी विषय को प्रतिपादन करने का पूरा प्रयत्न करे और शिष्य भी सोए नहीं सुने। सह वीर्यम करवा, फिर तेजस विना अधीतमस्तु, अधीतम तेजस विना वस्तु, जो हमने पढ़ा है सिखा है समझा है, तेजस्वी रहे माने जब उसकी आवश्यकता हो तब हमको उपलब्ध हो। पुस्तकस्थ तो या विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तक में रहा हुआ ज्ञान और दूसरे के जेब में रहा पैसा हमारे काम नहीं आता। इसी प्रकार से ये जो पढ़ा है इतने सालों से, उपासना करी है, मंदिरों में गए है, मत्था टेका है, दुख खाया है, ये भिन्न भिन्न शब्द भिन्न भिन्न लोगों में होते, दुख खाओ ये मारवाड़ी ब्रांड है, दुख खाओ देते तो है नहीं, दुख खाओ आने के नमस्कार करो, दुख खाओ। इसीलिए अधितम तेजस्वी नो वस्तु, हमेशा याद रहे, क्या याद रहे, एक ही साधना, प्रसन्न रहो बाबा प्रसन्न रहो। जो प्रसन्न है वो डिस्टर्ब नहीं होता, और जो स्वयं डिस्टर्ब नहीं होता वो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता। देखो ये बहुत आवश्यक बात है, नहीं तो हमारा मन इधर से उधर उधर से भटकेगा। और अधितम तेजस महाविद्विषा वह, सबसे महत्व की आस्पेक्ट अपने साधना की, किसी के भी प्रति मजाक में भी द्वेष घृणा न रहे। जिस अंतकरण में द्वेष या घृणा रहता है उस अंतकरण में परमात्मा प्रकट नहीं होते। बहुत आवश्यक है, अन्यथा मन भटकते रहेगा इधर उधर, दुखी हो जाओगे। एक हमारे मित्र हमको खाने को बुलाया, मैंने ठीक है आ जाएंगे, बोले मैं आऊंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम अपने मित्र के साथ, बोले स्वामी उनको मत लाना, हम अपने आप आ जाए, हम आएंगे और आपको ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, वो आ गए हमको ले गए। तो उसके पश्चात हमने पूछा उनको कि भाई देखो हम अकेले आए, बोले स्वामी जी आपको बुरा लगा होगा, मैंने उनको इसलिए नहीं कहा और फिर उनके मुख से कड़वा हटाने लग गए, आई हेट हिम। तो मैंने एकदम विषय बदल दिया, खाने को क्या बनाया भाई, अब हेटरेट का क्या चिंतन करना है, लेकिन वो तो हेट में फंसे हुए थे। फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि स्वामी जी आई जस्ट कांट इवन थिंक कि वो मेरे घर में आए, आई हेट हिम। तो फिर मैं दो बार सुनने के बाद मैंने हंस दिया, बोले क्यों हंस रहे हैं आप? हमने कहा जोक करो तो आदमी हंसेगा नहीं क्या? बोले ये कौन सा जोक हो गया? अरे आपने नहीं किया अभी अभी जोक, उनको पता नहीं क्या जोक हुआ। बोले क्या जोक किया? हमने कहा आपने जोक ये किया, आप उनको हेट करते हैं
इसीलिए घर में नहीं आने देते, लेकिन वो तो आपके मन में है। जिसको द्वेष करो वो आपके हृदय में रहता है। द्वेष करना है तो भगवान का करो ना, वो रहेंगे हृदय में। कंस ने यही किया था। कंस के मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना द्वेष था, एक एक क्षण कृष्ण 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 कृष्ण, और भगवान आकर के उसको अपने आप में मिला लिए। अरे द्वेष कर, घटिया आदमी का द्वेष करके क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड का द्वेष करो। मां विद्विषा वाय, जैसे किसी लड़की में सब सौंदर्य हो और कहीं एक बड़ा सफेद दाग हो तो सभी का सभी सौंदर्य कैंसिल हो जाता है ना। इसी प्रकार से सब कुछ हो आपके पास, लेकिन आपके मन में द्वेष हो, घृणा हो, तो आपका मन एकदम खल्लास। ऐसा मन परमात्मा के उपलब्धि का साधन नहीं हो सकता। मां विद्विषा है, ये सब करने से क्या होगा, ओम शांति शांति शांति। ध्यान से सुनना, शांति माने काम का अभाव, क्रोध का अभाव, लोभ का अभाव, कंफ्यूजन का अभाव, दुख का अभाव, उसी को शांति कहते हैं ना। तो क्या शांति अभावात्मक है? जो शांति को भी आधार देता है वो हम है, उसको प्रशांति कहते हैं, प्रशांति निलय। जो शांति के द्वारा वर्धित नहीं होती और जो अशांति के द्वारा घटती नहीं, वो है प्रशांति। देखो महाराज, ये इतनी सहज बात है कि आप एकदम अपने में रहोगे, और यदि हम अपने में हैं तो जगत की कोई वस्तु हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। धीरे 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 ये बात हृदय में आती है, तब हम शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए अधिकारी बनते हैं। अब दूसरी महत्व की बात, शास्त्रों का अध्ययन करने से परिवर्तन स्वयं में आना चाहिए, अन्य में नहीं। देखो, और ये परिवर्तन लाने के लिए एक सिद्धांत आपको बताते हैं। एक हमारी लड़की थी, अब तो वो माँ हो गई दो चार बच्चों की। जब वो स्टूडेंट थी कहीं थी, और उसको मेरे साथ आना था युगांडा, तो हमने कहा अपना पासपोर्ट बनवा लो। तो वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे, बोले स्वामी जी मैं इसका पासपोर्ट बना दूंगा। आजकल के जैसा नहीं, पहले तो जमाने में दुनिया भर की परेशानी होती थी, आजकल तो तीन दिन में दो दिन में मिल जाता है। तो हमने कहा भाई लगे रहो इसके साथ। बेचारी गई दूसरे दिन उसके पास, बोले नहीं आज नहीं कल आना। कल गई, नहीं आज मैं बिजी हूँ यार कल आना। चार छः चक्कर कटवाए, कुछ नहीं किया। फिर वो मेरे पास आए, स्वामी जी वो आदमी इतना खराब है, चार छः बार चक्कर कटवाए कुछ करता तो है नहीं। हमने कहा देखो पहली बात समझ लो, तुमको यदि आध्यात्मिक साधना करनी है तो पहली बात, हमारा इस जगत में किसी पर भी कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। किसी ने कहा मैं मदद करूंगा, क्या अधिकार है हमारा? देखो, जिस दिन आप अपने अधिकारों का त्याग कर दोगे, उस दिन के बाद आपके जीवन से दुख हमेशा के लिए निकल जाएंगे। हम अधिकार जताते हैं बच्चों पर, पत्नी पर, पति पर, पड़ोसी पर, दोस्त पर, क्या अधिकार है हमारा किस पर? जब तक कि कोई हमको मदद करता है तब तक अच्छा है, 100 बार मदद करी तो अच्छा है, 101 बार किसी कारण से मदद नहीं कर पाए तो देखो वो आदमी इतना बुरा है। क्यों? कि हमको फायदा नहीं हुआ। ये अधिकार का त्याग करना
यही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। यह अधिकार का त्याग करने का तरीका भगवान के भगत, जो थारी राय सो मारी राय। हमारा किस पर क्या अधिकार है? देखो अभी हमको इतने लोग, आप लोग मदद करते हो, हमारे आसाराम बापू दौड़ भाग के आए, कल ही आए, बैठे यहाँ सब कागज पर। अब हमारा क्या अधिकार है उनको कहने का? ना तो वो कोई हमारे एम्प्लॉय है, ना तो हम उनको तनख्वाह देते हैं, क्या अधिकार? कुछ नहीं। यदि वो कहे नहीं मैं नहीं आ सका, तो नहीं आ सका, नहीं आ सका। देखो जब हम अधिकारों का त्याग कर देंगे, कोई अपेक्षा नहीं रहेगी मन में। अपेक्षा नहीं रहेगी तो उपेक्षा नहीं होगी, उपेक्षा नहीं होगी तो अपमान नहीं होगा, अपमान नहीं होगा तो परमात्मा होगे। भगवान का अपमान नहीं होता, बेशरम है। देखो यशोदा मैया ने कन्हैया को डांटा, मिट्टी खाता है, सुवर था क्या पिछले जन्म में? और भगवान को डर लगा, कहीं यशोदा मैया ने पहचान तो नहीं लिया कि मैंने ही वराह अवतार लिया था। देखो फिर तुरंत उन्होंने अपना मुंह खोला और उसको कंफ्यूज कर दिया। ये सिद्धांत हमने भगवान कृष्ण से सीखा है, किसी को कन्विंस करो भगवद गीता, नहीं तो कन्फ्यूज करो। दो में से एक भी हो जाए तो उसका बेड़ा पार। देखो महाराज, ध्यान देना है तत्व की तरफ, अन्यथा फंस जाएंगे। अच्छा महाराज, अब ये नारद भक्ति सूत्र में पहला सूत्र आता है, आपकी इच्छा हो तो कहो हमारे बाद, नहीं कह सकते तो केवल होठ हिलाओ। कई बार लोग करते हैं, जैसे हम एक हाथ भगवद गीता का श्लोक बीच में कोट करते हैं ना, तो ये भी कहेंगे। अब हम होठों से तो पकड़ लेते हैं, यार ये श्लोक वो नहीं है जो तुम कह रहे हो, झूठ। नारायण अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। अब सूत्र शब्द का अर्थ होता है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, माने केमिस्ट्री के फॉर्मूले। एक बच्चे को पूछा, वो ध्यान नहीं दे रहा था क्लास में, उसको पूछा वो क्या कर रहा है? नहीं कुछ नहीं, मैं देख रहा हूं। अच्छा झूठ बोलता है, बता पानी का क्या फॉर्मूला है? HIJKLMNO। बोले किसने बताया तुमको? सर आप ही ने तो बताया। बोले मैंने क्या बताया था? H2O। तो HIJKLMNO H2O। देखो तो उस H2O में पानी का पूरा पानी पानी कर दिया। इसी प्रकार से सूत्र भाषा वो होती है कम से कम शब्दों में गर्भितार्थ भरा होता है। और ये किसके लिए है? जिसने H2O का अर्थ ठीक समझा है उसके लिए। देखो जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है उसको अपने बोलने में विश्वास नहीं होता कि मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं। जितना कम बोलो उतनी कम गलतियां, जितने ज्यादा बोलो उतनी ज्यादा गलतियां, बोलो मत गलतियां ही नहीं। देखो कितना बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, बोले जाते हैं और निकलता कुछ नहीं उसमें से। ऐसे अनेक होते हैं कि जिनके मुंह को टेप लगाओ तो टेप फाड़ के बोलेंगे, पूछेंगे ये टेप कौन सा था। देखो ये बोलना बंद करो, बंद करो, कम से कम बोले। 8 घंटे काम करने में जितनी शक्ति लगती है उतनी शक्ति 1 घंटा बोलने में लगती है। 8 घंटे बोलने में जितनी शक्ति खर्चा होती है
उतनी शक्ति 15 मिनट विचार करने में नष्ट होती है। और जो दिन भर कुरकुर वरीज 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 वरीज, फिर सब शक्ति खत्म हो गई। और जब फोन आया भगवान का तो वहां अरे बैटरी खत्म। देखो कम से कम बोलो ना, कोई जरूरत नहीं। उसी प्रकार से जो बहुत लिखते हैं, हमको कई बार लोग लिखते हैं ना ईमेल, या हम पढ़ते नहीं, व्हाट्सएप तो हम कभी नहीं पढ़ते। जैसे रोज उठ करके भगवान का नाम ले देना, अरे राम अरे राम, राम राम हरे हरे, उसी प्रकार से उठते फोन ये पूरे के पूरे सिलेक्ट करके डिलीट। ये तो खामोखाम कचरा फोन में होता क्या है, केवल फॉरवर्ड करो, वो भी नहीं पढ़ते क्या है। जैसे ये हमारा मोबाइल धर्म है, जैसे होता है ना ग्रस्त धर्म, मोबाइल धर्म, यहां से वहां फॉरवर्ड करते जाओ, बकवास। तो भक्त सूत्र माने कम से कम। और कहते हैं अथ अतः, दो शब्द है अथा तो, अथ और अतः। अथ माने अब माने कब, पहले कुछ होगा तभी तो अब बोलेंगे ना। अब माने कब, जब आपने अपने आप को दुनिया से उपरत कर लिया है और इस निष्ठा से बैठे हो, अब हमको इसी जीवन में प्रभु के प्रकटीकरण का माध्यम बनना है। अब किस लिए हम यहां है, सब कुछ कर लिया है, बहुत हो गया, अब चलो भगवान का नाम लेते। अब माने इस सूत्र को सुनने वाला चारों तरफ से धक्के खा करके नेचुरोपैथी के क्लिनिक में पहुंच गया है। एलोपैथी में ठीक नहीं होता, आयुर्वेद में ठीक नहीं होता, कहीं नहीं होता, आप क्या करें, नेचुरोपैथी में चले जाओ पुणे में, वहां क्या है भैंस के साथ आपको कीचड़ में बैठा देंगे और आपको ले जाने वाले आपको फोटो निकाले और व्हाट्सएप पर हमारे बाबूजी भैंस के साथ बैठते इसी प्रकार से सब कुछ कर लिया, कर्म धर्म सब कुछ कर लिया, पढ़ाई कर ली, लेक्चर दे दिए, लोगों को बेवकूफ बनाया, सब कुछ कर लिया। अब देखो अब अथ अतः, इसीलिए, इसलिए कि अब हमने बाहर से सब कुछ करने के बाद अब हमको इनफ इज इनफ। देखो जिसको भगवान की चाह हृदय में प्रकट हो जाती है, उसके हृदय से दुनिया की चाह मिट जाती है। ये बड़ी कठिन बात होती है। एक बार विवेकानंद स्वामी को उनके गुरु महाराज ने यह समझाया था। विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज, माँ तो आपसे बात करते, हमसे क्यों नहीं बात करते। बोले तुम नहीं चाहते। बोले नहीं तो मैं चाहता हूं। बोले सवाल ही नहीं, यदि तुम रियली चाहते तो माँ जरूर बात करेगी। कितना चाहना चाहिए, मैं रियली चाहता हूं कि माँ माँ, लेकिन बोलती नहीं हूं। तो बोले ठीक है, बाद में बात करेंगे, चलो अभी नहाते हैं। नहाने को गए और वो शिष्य का सर पानी के नीचे डुबो के रख दिया। अब कब तक रहेगा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, फिर झटका मार के बाहर आए। तब उन्होंने कहा, पानी के नीचे जब तुम सांस लेने के लिए जितनी तड़प थी तुम्हारी, उतनी तड़प जब भगवान के दर्शन की होती है ना, तब भगवान का दर्शन होता है। हमको कैसा चाहिए, 5-स्टार स्पिरिचुअलिटी। सेठ जी बैठे हैं आराम से गद्दों पर, अपने गोद में दो पोते बैठे हैं, एक की उंगली नाक में है, दूसरी कान में है। वहां सेठानी पहाड़ के जैसी लदी हुई है सुवर्णों से और अनेक प्रकार के जवाहरों से, और सेठ जी 1000 रुपए की, आजकल तो वो भी दिए, 2000 की गट्ठी गिन रहे हैं।
उस समय भगवान आएंगे सामने, हैंग अराउंड। हमको ऐसा दर्शन चाहिए। देखो, जब तक के हमारे अंतकरण में जगत के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इसके प्रति आकर्षण होगा, तब तक हमको भगवान नहीं चाहिए। देखो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे माँ को परेशान करते हैं, मम्मी मम्मी, तो मम्मी क्या करती है, उसको खिलौना दे दिया, चॉकलेट दे दी, फोन दे दिया, लेकिन वो सबको फेंक देता है, नहीं नहीं मम्मी, और फाइनली गुस्से में आकर उठा करके गोद, हाँ जैसे वो गोद में बैठा माँ के, थम्स अप, ब्रह्मानंदम परम स्मृत। देखो, दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति देश काल आपको आकर्षित करता है तो हम प्रभु के दर्शन के अधिकारी नहीं। और प्रभु का दर्शन कोटे से नहीं होता है, ना रिजर्वेशन कोटा, पूरे देश का सत्यानाश इसने कर दिया है। देखो, और इसी का सत्य, ये अध्यात्म भी इसी कोटे ने सत्यानाश कर दिया है। कैसे, स्वामी जी आप तो सन्यासी हैं, आपको ठीक है, लेकिन हम तो गृहस्थ हैं। अरे गृहस्थ यदि कोई क्वालिफिकेशन है क्या, तो गृहस्थ है तो क्या आपको फ्री में मिल जाए रियलाइजेशन, और हम लोग धक्के खाते रहे। मेहनत करो, और मेहनत क्या है, कुछ मत चाहो। तो अथ अतः फिर भक्तिम व्याख्या श्यामः, व्याख्या श्यामः विशेषेण आख्या श्यामः, आख्या माने बताना, ये ख्याति ख्या धातु से ही बना है। अब नारद जी बता रहे हैं तो उन्होंने एक वचन में बताना चाहिए था ना, जैसे अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। तो उन्होंने ये बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, व्याख्या श्यामा, इसीलिए कि जो हम बताए जा रहे हैं ना, ये अपनी बात नहीं है, हमने सुना है साधु संतों से, गुरु महाराज से, उन्हीं की बात हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए व्याख्या श्यामा। ऐसे नहीं कि मैं बताने जा रहा हूं। भगवद गीता में भी देखो आप, जब जब परमात्मा भगवान ने परमात्मा के रूप से कहा है, उस समय भगवान ने शब्द का प्रयोग कर्तरी प्रयोग नहीं, कर्मणि प्रयोग किया है। कहते हैं मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, यह संपूर्ण जगत मैं जो अव्यक्त हूं, माने व्यक्ति नहीं हूं। तीन चीजें होती है, अव्यक्त, व्यक्त और व्यक्ति। व्यक्ति यहां से संसार शुरू होता है, व्यक्त ये परमात्मा के प्रकटीकरण का स्थान है, अव्यक्त परमात्मा है। देखो संतो, तो अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे, व्याख्या विशेषण, विशेष प्रकार से, विस्तार से, कुछ छोड़ेंगे नहीं। और भक्ति किसको कहते हैं, भज धातु से ही बनता है। भक्ति का तात्पर्य है जो विभाग करता है, भागो भक्ति। हमने दुनिया को दो भागों में बांट देना है, परमात्मा और दुनिया। अब हम किस में रहे, कौन सी पार्टी है हमारी, यदि आप भगवद गीता का अध्ययन करोगे तो किसकी पार्टी में हो, अर्जुन के पार्टी में रहोगे तो आर्ग्यूमेंट करोगे। आप जो कहते हैं ना कि मन को समत्व में रखना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है महाराज, योयम योग त्वया प्रोक्ता साम्ये न मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचल अल्वा स्थिति तिरा, छठवें अध्याय में भगवान कह अर्जुन कहता है आपने जो समत्व का योग कहा है ना, बड़ा कठिन है। चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, मन बड़ा चंचल है, बलवान है, जिद्दी है, उसको कंट्रोल करना समत्व में बड़ा कठिन है। अर्जुन भगवान सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणं व्रज, छोड़ यार सब चक्कर को,
कैसे छोड़े? छोड़ने के पहले ये थोड़ा विचार करें, तुम्हारा है क्या इस दुनिया में, क्या है? अपने शरीर से लेकर के दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन पकड़ के बैठते। देखो, इसीलिए गीता का अध्ययन करना है, भगवान कृष्ण के पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, अर्जुन के पार्टी में मत जाना। अर्जुन के पार्टी में जाओगे तो आर्ग्यूमेंट करोगे, ये एक बड़ा कठिन है। कठिन विषय कुछ नहीं है, जिसको किसी का महत्व पता चलता है ना तो कठिनाई नहीं होती। पैसे का महत्व हमारे मन में है तो पैसे कमाना कठिन है, इसीलिए मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, किसी ने कहा है क्या? वहां तो नए नए टेक्निक निकालते हैं, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, टेबल के बगल, टेबल के पीछे। देखो, क्योंकि पैसे का महत्व है। इसी प्रकार से जब अध्यात्म का महत्व रहेगा तब यह जो आदि भौतिक जीवन है, धर्म, योग, उपासना, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे। देखो, ये उपासना वालों को लेकर के हमने कितने देखे, उपासना वाले उनमें आत्मविश्वास जीरो, क्योंकि उनको लगता है उपासना ही भक्ति है। उपासना भक्ति नहीं है। हम यहां भक्ति शास्त्र पढ़ रहे हैं। देखो, उपासना में दुनिया भर के नियम लगा देते हैं, और उपासना की परिपक्वता किसमें होती है? तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई तो। यदि तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई, उपासना माने केवल एक गधे के द्वारा अनेक ग्रंथों का बोझा ढोने के जैसा है। गधे के दिमाग में क्या होगा? बस उसको उठा ले, फिर न्यूज़पेपर खा ले। देखो, जिस आदमी ने पूरा जीवन न्यूज़पेपर पढ़ने में ही गवाया है, मरने के बाद वो गधा होता है और न्यूज़पेपर खाता है। ये आप कहां से बताते? ये खटमल महापुराण में आया है। इसी प्रकार से जो लोग सूर्योदय के पश्चात उठते हैं वो भी अगले जन्म में खटमल बनते हैं। तो अगले बार खटमल देखोगे तो अच्छा, अपना अगला नक्शा। आलस, आलस। अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः, भक्ति की व्याख्या करेंगे माने भक्ति के क्या लक्षण प्रकट होते हैं वो बताएंगे। तो जो भक्ति के लक्षण है वो हमारे लिए साधना है। अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः, तो दुनिया को हमने डिवाइड कर लिया, परमात्मा नॉन परमात्मा, नॉन परमात्मा को मारो गोली। परमात्मा भजनम भक्ति, भगवान का भजन करो। आपके मन में यदि बहुत सारे उल्टे सीधे विचार चल रहे हो तो इसको समझ लो संतो, समझदारी से सब ठीक हो जाता है। हमारा मन एक मोमेंटम गैदर करता है, और वो जो मोमेंटम है, वो जो आवेग है विचारों का, वो हमको बह के ले जाता है। और ऐसा व्यक्ति यदि उसको रोक नहीं सका तो अपने आप में बोलते 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 रहेगा, और यदि उसको और जोर से आवाज आएगा तो अपने आप से बोलेगा, पहले दूसरे नहीं सुन रहे थे, अब दूसरे भी सुनने लगेंगे। तो पहली स्थिति सेंटिमेंटल है, उसके बाद की स्थिति मेंटल है। केवल उस विचार के आवेग को, उस विचार के मोमेंटम को रोक नहीं पा रहा है। देखो, और विचार कैसे होते हैं? एक विचार से दूसरे विचार का जन्म होता है। हमको ये ब्रीडिंग प्रोसेस स्टॉप कर दिए, नो मोर ब्रीडिंग। तो उसके लिए करें क्या? भगवान का नाम लो, श्री राम, जय जय राम, धीरे धीरे। तो जैसे गाड़ी बड़ी जोर से जा रही है, स्पीड से तो बीच में एकदम स्पीड बिगड़ गए, खटक, फिर होश में आ जाते हैं। इसी प्रकार से ये मन के विचारों के स्पीड को रोकने के लिए जो स्पीड ब्रेकर है वो है भगवान का नाम।
और वो भी बड़ा आराम से लेना है, जल्दी सबके सब भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं, यार किसको बुला रहे थे, नहीं मेरा तो नाम नहीं, देवी तू है मेरा नाम नहीं, एवरीबडी विल रिजेक्ट यू। देखो वो नाम लेना थोड़ी है, वो तो केवल गुनगुनाहट है। तो अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामः, अब हम आपको भक्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे। क्या बताएंगे? पहले सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा, दूसरा सूत्र है, कहो हमारे बात, सा तु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत् प्राप्य न किञ्चित् वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। अब दूसरे सूत्र में कहते हैं ये जो भक्ति है ये कैसी है और किसके बारे में है। आप देखेंगे पूरे नारद भक्ति सूत्र में कहीं भी भगवान का वर्णन नहीं है, है ना आनंद की बात। आप उपनिषद का अध्ययन कर लो, उदाहरण के लिए केनोपनिषद, केनोपनिषद उपनिषद है किसी के बारे में, ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म क्या है ये कहीं नहीं बताए, ऑल लैंग्वेज ऑफ निगेशन, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। हमको मालूम नहीं है कि कैसे पढ़ाते हैं, तो फिर हम क्या गलत जगह, बिल्कुल गलत जगह आए, चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं ऐसे मत करो ना, आपको आपके गुरु महाराज ने तो बताया होगा ना, बताया क्या बताया, वही बता देता हूँ। फिर गुरु महाराज बताते हैं, हमारे गुरु ने ये बताया कि वो ज्ञात और अज्ञात से अन्य है, अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, क्या है ये नहीं बताया। ज्ञात नोन, अज्ञात अननोन, इससे भिन्न है। अब ढूंढो ना ज्ञात क्या है, गुजराती, गुजराती नहीं है भगवान, अज्ञात क्या, तमिल, तमिल भी नहीं है। करो चिंतन, मुझे पूरा भूत याद है, भूत भी नहीं भगवान, मुझे भविष्य बिल्कुल मालूम नहीं है, भगवान भविष्य भी नहीं है। करो चिंतन, देखो तो चिंतन करते करते आप ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे कि आप ही गायब हो जाओगे, प्रश्न पूछने वाला डिसॉल्व हो जाएगा, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। हमने आपको इससे पहले ही बार बताया, यहां वैयक्तिक समस्या का समाधान नहीं होगा। स्वामी माय हस्बैंड इज वेरी लेजी, ठीक है मैं आकर के झाड़ू लगाऊंगा तुम्हारे घर में। जो पत्नी पति की कंप्लेन करती है और जो पति पत्नी की कंप्लेन करता है, दे आर मेड फॉर ईच अदर। देखो काहे को कंप्लेन कर दे, जैसा है वैसा है, लेकिन वो इतने बेवकूफ क्यों है। अरे देखो यदि वो समझदार होते तो तुमसे शादी करते क्या, इस निकल जाओ, अपने आप को बचाओ, नहीं तो इसी में लगे रहेंगे। तो जब बताते हैं कि भक्ति भगवान की करनी है, अब भगवान क्या है तो कहीं बता ही नहीं रहे। देखो लेकिन इन्होंने अंगुली निर्देश किया है, सा माने भक्ति, स्त्रीलिंग की सर्वनाम है, सा तु अस्मिन, अस्मिन माने इसमें, उंगली से बताए इसमें, देखो उसमें माने दूर, इसमें
सातु अस्मिन्, कैसी परम प्रेम रूपा। देखो हमारा सबसे ज्यादा प्यार किसके लिए होता है, अपने लिए। लेकिन ये मैं जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये मैं कौन है यही पता नहीं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच वेदैश्च सर्वैः अहम् एव वेद्यः। देखो मैं ही सबका हृदय हूं और मैं ही ज्ञानम जागृत स्वप्न सुषुप्ति अपोहनम स्मृति स्वप्न अपोहनम सुषुप्ति और चकारा समाधि, मैं ही ये चार प्रकार के अनुभूतियों का आधार हूं। और सर्वै ही वेद ही अहम एव विद्या, सभी शास्त्रों का तात्पर्य इस मैं को पहचानने में है। यहां यही कहते हैं सातु अस्मिन, इस मैं में परम प्रेम रूपा है। हम किससे प्यार करते हैं, अपने से। देखो आपके हाथ में समझो एक छोटी उंगली को गैंग्रीन हो गया तो हम क्या करेंगे, गैंग्रीन को काटेंगे, नहीं तो बाकी हाथ सड़ जाएगा। हाथ को गैंग्रीन हो गया तो फिर यहां से टोनी से काटेंगे, नहीं तो बाकी का हाथ सड़ जाएगा। लेकिन एक स्थान ऐसा आता है जिसका हम त्याग नहीं कर सकते। जागृत आके चली जाती है, हम कहीं नहीं जाते। स्वप्न लग करके टूट जाता है, हम कहीं नहीं जाते। सुषुप्ति आती है और खत्म हो जाती है, हम कहीं नहीं खत्म होते। और समाधि लगती है टूटती है, हाँ ना तो हम लगे हैं ना तो टूटे हैं। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। इसीलिए हर एक आदमी दो चीजें सोचता है जीवन में। एक भी व्यक्ति विश्व में ऐसा नहीं है जिसने कभी आत्महत्या का विचार नहीं किया हो। एक आध बार हर एक के दिमाग में आता है मरना ही अच्छा है। लेकिन जो कायर होते हैं, देखो आत्महत्या करने के लिए हिम्मत चाहिए ना। एक कॉलेज में एक लड़के ने आत्महत्या कर ली, बाहर से दरवाजा खुला ही नहीं, बंद कर दिया, तो तोड़ा उसका दरवाजा, वार्डन और सब लोग गए और ये फैन से लटक रहा था लेकिन कमर से, जैसे कारों में जो हनुमान जी को लटका के रखते हैं वैसे। तो उसको पूछा, अरे तू क्या कर रहा, बोले आत्महत्या। बोले ऐसा क्यों किया, गला खराब था। सातु अस्मिन, ये जो मैं है इसी को सब चाहते हैं। देखो उपनिषद में आता है हमारे अनुभूतियों का विश्लेषण, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है, पति को पत्नी पत्नी के लिए प्यारी नहीं होती, अपने लिए प्यारी होती है। पत्नी को पति पति के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है। खाने वाले को रसगुल्ला रसगुल्ले के लिए प्यारा नहीं होता, अपने लिए प्यारा होता है, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। देखो सामने रसगुल्ला रखा है, हम इसलिए खा देगा, बेचारा कोई खा ही नहीं रहा उसको, चलो खा लेते। देखो ये जो मैं है अस्मिन, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। लेकिन चूंकि हमने इस मैं को नहीं पहचाना इसीलिए बाहर भटकते हैं, फिर सोचते हैं मकान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मकान से प्यार करते हैं। देखो ये बड़ी सुंदर बात है, जब पति पत्नी ताजी ताजी शादी हो गई, थोड़ा थोड़ा पगार है, ज्यादा पैसा भी नहीं है, बच्चे पैदा हो गए, छोटा सा मकान और बड़े मुश्किल से रहते हैं, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दुनिया भर का पैसा इकट्ठा होता है और फिर बहुत बड़ा महल बनाएंगे, तब तक के बच्चे पंख उड़ जाते हैं, और फिर उनका चक्कर, इतना बड़ा मकान कौन रहेगा, किसने कहा था। देखो कितना दुनिया की वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं,
ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा संग्रह करेगा उतना उसका परमात्मा पर विश्वास नहीं है। कितनी चीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, डिप्रेशन का एक ये लक्षण है। एक बार हम यूके में थे और जिनके घर में रहते थे दोनों मियां बीबी साइकेट्रिस्ट और मैं पेशेंट, तो जो सज्जन थे वो तो रिटायर हो गए थे, उनकी पत्नी फिर जॉब ले रही थी। तो मैं उनके साथ गया शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करके जब हम आए तो मैंने देखा उनके घर में, उनके पति ने कहा था देखो तुम ये सामान लाते हो, रखने के लिए कोई कंटेनर नहीं, एक हाथ कोई डब्बा ले आओ। वो जा करके 3 दर्जन डब्बे ले आए। अच्छा, जब हम गए तो बोले स्वामी जी आपको पालक अच्छा लगता है? हाँ अच्छा लगता है। तो फिर हम बोले ठीक है ले लो, मैं उनका पति और वो 3 लोग खाने के लिए 5 किलो पालक। देखा अम्मा मैं भैंस नहीं हूं, 3 आदमी के लिए 5 किलो पालक कोई खरीदता है? नहीं, काम आएगा। और हर चीज एकदम बल्क में खरीद ली। तो जब मैं घर आया तो मैंने उसके पति को कहा, हालांकि महात्मा जी मुझे लगता है अम्मा डिप्रेशन में है। स्वामी जी ये कैसे डिप्रेशन, वो तो साइकेट्री स्वयं है इसीलिए डिप्रेशन में, उनको समझ में नहीं आ रहा। बोले कैसे बोला आपने? हमने कहा जो व्यक्ति जितना संग्रह करता है उसको इतनी इनसिक्योरिटी होती है, काम आएगा काम आएगा। पुरानी फटी लुंगी फेंक दो ना यार, नहीं पर्दे की काम आएगी। अरे राम 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 राम, आप देखो अपने घर में जाकर के कितना कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है, उसमें से अनेक वस्तु ऐसी है कि जिसको पिछले 6 सेंचुरी से हाथ नहीं लगा। फेंकने की बात आएगी नहीं, रहने दो काम आएगा, मरने के बाद जलाने के लिए। देखो तो सातु अस्मिन, अपने स्वरूप को पहचानना है, ये बाहर का आडंबर फेंक दो। जितना व्यक्ति संग्रह को कम करेगा उतना स्वरूप के पास पहुंचेगा। ध्यान से सुनना, संग्रह बाहर के वस्तु का करने का जो स्वभाव बन जाता है वो स्वभाव अंदर प्रवेश करता है, और वो स्वभाव क्या हो जाता है, फिर अंदर हम अपने स्मृतियों का संग्रह करते हैं। देखो अब हम दुनिया में घूमते रहते हैं ना, तो कई बार कोई हमारे बगल में बैठा होता है फ्लाइट में, हम तो फ्लाइट में सो जाते हैं, झंझट क्या करना है, कोई देखना थोड़ी है कुछ हो गए। तो एक आध बार देखो तो कोई साथ में बैठी हो, एक आध अम्मा बुढ़ा हो, वो अपना फोन खोलेगी और फिर पुराने फोटो देखेगी। वही फोटो में क्या देखना है। एक जगह हम गए थे किसी के यहाँ, स्वामी जी आप हमारे लड़के की शादी पे नहीं आए थे ना, इसलिए हमने आपके लिए एक एल्बम बना के रखा है। हाँ ठीक है रख दो, मैं देख लूंगा, आप खाना बनाओ। बोले नहीं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब मुझे बताओ फोटो में क्या एक्सप्लेन करने को, भगवद गीता है क्या? देखो अरे किसी को छलने की हद होती है। और फिर कहेंगे हाँ जी ये जो है ना, मैं पूछता हूँ तुम मत बताओ, हाँ ये कौन दिख रही है कबूतर के जैसे? स्वामी जी वो मैं हूं। अच्छा अच्छा बड़ी सुन। बाहर के जगत का संग्रह करने का स्वभाव अंदर प्रवेश करता है और हम वर्तमान में रहना भूल जाते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, वो भी गए भाड़ में, तुम भी जाओ। ध्यान से सुनना, बचपन किसका था? शरीर का। जवानी किसकी थी? शरीर की। मिडिल एज किसका है? शरीर का। बुढ़ापा किसका है? शरीर का। ये तो सब आता जाता रहता है ना। जितना आप अपने भूत के बारे में बोलते रहोगे उतना आपका देहात्म भाव दृढ़ होता जाएगा। जब हम छोटे थे यार, तुम तो छोटे थे ही नहीं, तुम्हारा शरीर छोटा था,
जो हमने आपको सुबह में बताया था ना, दो चार चीजें ट्राई करो। अपने बारे में किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जो हम अपने बारे में बोलते हैं ना, वो मुर्दे के बारे में है, वो अल्बम है। जैसे अलकायदा हो ना, अल्बम देखो। उल्टी सीधी बातें फेंक दो। कोई पूछता भी है तो झूठ बोलो, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। ये जो संग्रह है स्मृतियों का, यही हमारा व्यक्तित्व होता है। मैं यहां था, मैं वहां था, मैंने ये खाया, मैं बड़ा 30 मार खाया था। माने क्या? 30 बार मार खाया था, 30 बार निकल जाओ इसमें। सो सातु अस्मिन, अस्मिन इसमें, मैं। और ध्यान से सुनो, मैं हमेशा वर्तमान में होता है, भूत में और भविष्य में मैं का भूत होता है। आई द चाइल्ड, जब मैं छोटा था तो कौन छोटा था, शरीर या मैं? तो मैंने शरीर के साथ तादाद में किया और मैं छोटा बन गया। शरीर तो छोड़ के चला गया और तुम उस मरे हुए शरीर को पकड़ के बैठे हो। जब बचपन का शरीर निकल जाता है, जवानी आ जाती है, उस समय किसी ने कंप्लेन करी है क्या पुलिस में, देखो मेरा जो बालक देह था कहां चला गया, दिखता ही नहीं आजकल। फिर टीनेज आया, वो भी चला गया। किसी ने कंप्लेन करी है मेरा टीनेज घूम गया है, प्लीज फाइंड आउट। इवन गूगल कैन नॉट फाइंड आउट। देखो इसीलिए सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। परम प्रेम का तात्पर्य क्या है, ध्यान से सुनना। जो परम के लिए होता है प्रेम, वो परम प्रेम है। ये जो प्रक्रिया है ना, अपने आप को छोटे दायरे से हटा करके अनंत में मिलाना, ये है भक्ति का सिद्धांत। भक्ति यह अनुभव है और ये व्यक्ति नहीं है। लेकिन बाहर का आडंबर इतना बन जाता है कि फिर हम भक्त बन गए, फिर हम राम के हैं, हम कृष्ण के हैं। एक हमारे जयपुर के मित्र बोले, स्वामी जी मुझे आप इसलिए अच्छे लगते हो कि मैं भी कन्हैया का भगत हूं और मैंने भगवान कृष्ण का एक आश्रम और मंदिर बनाया है, वहां कई बच्चों को रखते हैं, तो आप आकर के उद्घाटन करिए। हम गए वहां, मंदिर मंदिर देखा, सब कुछ जो करना था कर लिया। हमने कहा यहां तो लिखा है राम जानकी धाम, और यहां तो ना तो राम का तस्वीर है ना जानकी की है, और कहती कृष्ण का धाम, ये कैसे? अब मैं क्या करूं? क्या हो गया, मेरे माँ बाप का नाम राम जानकी था, अब मैं क्या करूं? तो उसका नाम है राम जानकी धाम, लेकिन अंदर में भगवान कृष्ण का ही सब कुछ है। अरे ऐसा क्यों? बोले मुझे वो राम अच्छे नहीं लगते। तुम्हें क्या गड़बड़ी? बोले हमेशा रोते रहे। कभी राम के जीवन में कोई जोक सुना है क्या आपने? एक ही बार हुआ था, वशिष्ठ जी से जब वो योग वाशिष्ठ सुन रहे थे तो तंग आ गए, सब मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या है। अब उस समय भगवान राम की उम्र 15 साल की थी, जब समझ भी नहीं आता आदमी तो गुस्सा करता है, तो उसे तो अच्छा मिथ्या है ना। वशिष्ठ जी के पीछे एक हाथी दौड़ाया, वशिष्ठ जी भी अपना कमंड और लुंगी पहनकर दौड़ रहे और हाथी पीछे से आ रहा है, तो वशिष्ठ जी एकदम किसी बायपास लेन में घुस गए और हाथी निकल गया। भगवान राम कहते गुरु महाराज आप तो कह रहे थे ना सब मिथ्या है, तो ये जो हाथी आपके पीछे दौड़ रहा था आप क्यों दौड़ रहे थे? वो तो मिथ्या था ना। हाँ बेटा वो मिथ्या था, फिर आप क्यों दौड़ रहे थे? दौड़ना भी मिथ्या था। देखो ओनली वन जोक, और कन्हैया के दुनिया भर के जोक। एक जगह कहेंगे कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः,
दूसरे जगह कहेंगे सर्वधर्मान मारो गोली माम एकम शरण फॉरगेट अबाउट इट, विरोधाभास। इसलिए यह जो भक्ति है परम प्रेम रूपा, जहां परम प्रेम होता है ना वहां हिचकिचाहट नहीं होती। ये जो आजकल बच्चों को बेवकूफी सिखाते हैं ना, किसी ने किस किया थैंक यू कहो माने कट, हर जगह थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं तो आई एम सॉरी बेटा आई स्कोल्डेड यू। अरे बच्चे को स्कोल्ड करने की परमिशन लेते दो चाटे और लगा दो। देखो परम प्रेम जहां होता है ना वहां हिचकिचाहट नहीं होती। जहां हिचकिचाहट होती है मैं कहूंगा तो क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वो सुनता कहां है। देखो जहां थोड़ी हिचकिचाहट हो गई समझ लेना आपके प्यार में खोट है। यदि आप किसी से प्रेम करते हो और उसको डांटा इवन चाटा भी लगा दिया और लगाने के बाद आपके मन में यदि विचार आया कि मैंने ये गलत किया, समझ लेना आपके प्यार में खोट है। देखो महाराज परम प्रेम रूपा। एक हमारी लड़की है वो कभी कभी कोई बात समझती नहीं तो मैं उसको डांटता हूं, अरे डम्बो यार तू बेवकूफ है क्या, सुन लेती है। एक बार मैंने किसी और को कहा ए डम्बो इधर आ जा, तो उस लड़की को गुस्सा है स्वामी जी आपने मेरा नाम उसको क्यों दिया। देखो मैं तुमको डम्बो कहता था गुस्सा नहीं आता, बोले नहीं स्वामी जी अगर डम्बो कहते ना मुझे कुछ तो भी हो जाता है, डमरू हो क्या। परम प्रेम रूपा सातु अस्विन परम प्रेम रूपा, इसी को कहते हैं सबके साथ एक हो गए, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। देखो परिच्छिन्न के साथ आप चिपक जाते हो, परिपूर्ण के साथ आप मिट जाते हो। हमको मिट जाना है, भक्ति में हम मिट जाते हैं, हम रहते नहीं। अपने मैं को मिटाने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। यदि मैं मिट गया तो भक्ति प्राप्त हो गई, यदि मैं भक्त हूं ये भाव आया तो फॉरगेट अबाउट इट। सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा और अमृत स्वरूपाच, ये पूरा का पूरा वाक्य यदि आप पढ़ोगे, ये सूत्र होने के कारण एक दो तीन नंबर दिए है, अदरवाइज क्या होगा अथा तो भक्ति व्याख्या श्यामा पहला वाक्य, दूसरा वाक्य सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच ऐसा होगा। अमृत स्वरूपाच का तात्पर्य क्या है, अमृत माने अनंत जिसका अंत नहीं होता। अपने आप को मिटाने की प्रक्रिया दो प्रकार से है, एक तो भक्ति से और दूसरा ज्ञान से। और इसीलिए भक्ति की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। ये दो अलग अलग नहीं है, हम उपासना की बात नहीं कर रहे हैं। ये उपासना वाले अपने आप को बचा के रखे, डर डर के जीते हैं। देखो हमने आपको एक बार उदाहरण दिया था, एक अम्मा हमारे तरफ बड़ी घूर घूर के दिख रही थी, मैं जब खा रहा था तो मैंने बोला कि अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊं उसकी नज़र से, तो मैंने बोला अम्मा इधर आओ, तो आ गए। देखो मैं खाना खाने के पहले भगवान को पहले भोग चढ़ाता हूँ, तो आप तो मेरे लिए आज साक्षात भगवान कृष्ण हो, मैं आपको खिलाता हूँ। उसको बड़ी खुशी हो गई, मुँह खोला आ मैंने ठोक दिया चावल दाल सब्जी और फिर मैं अपना खाना खाने लग गया। खाने के बाद आई स्वामी जी क्या होगा, क्या हो क्या गया मुझे क्या मालूम। मेरे स्वामी जी आज एकादशी है, आपने मुझे चावल दाल सब्जी खिला दी, अब क्या होगा, नरक में जाऊंगी, सीधा बात है नॉन स्टॉप फ्लाइट नरक में जाओगी। देखो ये जो डर डर के जीते हैं ना वो भगवान के भक्त नहीं है,
भगवान के प्रति विश्वास, उसका प्रकटीकरण हमारे हृदय में आत्मविश्वास के रूप में होता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। जो डर डर के रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच, तो ये अपने इस घटिया व्यक्तित्व को मिटा करके अनंत में मिटाने की प्रक्रिया को भक्ति कहते हैं। और ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, आप सोने के पहले मैं यहां बंद कर देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।